अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन चाइनीज समोसा। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम जितना मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, जिसको मैंने पानी डालकर बॉइल कर लिया सिंपल। इसको मैंने नमक नहीं डाला, काली मिर्च कुछ नहीं डाला, सिंपल मैंने इसको पानी में डालकर बॉइल कर लिया। उसके बाद में मैंने इसको श्रेड कर लिया। यहाँ पर मैंने लिया है, मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है कैरेट को, गाजर को, एक बाउल मैंने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी, एक बाउल ली है मैंने। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है फ्रेंच बीन्स, फरस भी जिसे कहते हैं, वो मैंने हाफ कप की जितना लिया हुआ है। एक मीडियम साइज की मैंने शिमला मिर्च ली थी, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ काली मिर्च। और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून विनेगर जाएगा, 1 टीस्पून ही सोया सॉस जाएगा, और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा रेड चिली सॉस, और इसमें शेजवान सॉस भी जाएगा 2 टेबल स्पून। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं प्याज डाल दूंगी, और प्याज को जो है ट्रांसलूसेंट करके ले लूंगी बस। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून जितना, इसको अच्छे से कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेंगे इसको। पर देखिए अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चले गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारी वेजीज। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च बोलती हूँ मैं फ्रेंच बीन्स, और इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी, और इसके बाद ही मैं इसमें डाल देंगे चिकन। इसमें ऐड करेंगे गाजर, गाजर इसमें डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे इसमें, इसमें डालेंगे विनेगर, सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, डार्क सोया सॉस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे रेड चिली सॉस भी डाला है। और यहाँ पर मैं ये देखिए शेजवान चटनी का मेरे पास में पाउच है, वो एक अक्खा मैं पाउच डाल रही, इसमें 2 टेबल स्पून जितना मायोनीज की चटनी मिल जाती है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डाल देंगे नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको पका कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पक गया है, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया था। अब क्या करेंगे, इसको साइड में निकाल के रखेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 कप जो है यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी हम स्लरी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी स्लरी इस तरीके से बना ली है, देखिए ना ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं समोसे को फर्स्ट देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, समोसा शीट लेना है। अब इसके अंदर हम ये समोसे की जो स्टफिंग है वो हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए इसमें हमने इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सेकेंड फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा दबाकर सेकेंड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मैदे की स्लरी बताई थी वो हम इसमें डाल देंगे, और मतलब लगा देंगे इसको, एक्स्ट्रा जो है वो मैं निकाल लूँगी, और इसके बाद में इसको हम चिपका लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से सील कर देंगे, ये देखिए। तो ये देखिए समोसा जो है बनकर रेडी हो गया है। ऐसे सारे मैं बना लूँगी, फ्राई करते टाइम आपको दिखाऊंगी। पर देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब ये समोसे को जो है अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज समोसे जो है ये देखिए एकदम से फ्राई होकर रेडी है, तो अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है ये, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।